यहाँ की खास बात यह है कि ये काफ़ी हाइट में है और यहाँ से हिमालय पर्वत एकदम क्लियर दिखता है और जितने भी टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पे सेल्फी ज़रूर लेते हैं। यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा प्रणाम उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। और आज हम जा रहे हैं चिन्यालीसौड़। यहाँ से काफ़ी दूर है, अराउंड 30-35 किलोमीटर्स। तो अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। सो हम निकल रहे हैं अभी मोरियाना के लिए और यहाँ पे आप रोड देख सकते हैं, काफी चढ़ाई है इस रोड पे। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं अभी मोरियाना में और मोरियाना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहां की खास बात यह है कि ये काफ़ी हाइट में है और यहां से हिमालय पर्वत एकदम क्लियर दिखता है और जितने भी टूरिस्ट यहां से जाते हैं वो यहां पे सेल्फी ज़रूर लेते हैं। यहां का आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ चीड़ और बांझ के हैं, आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। और हम हैं अभी मोरियाना में, यहाँ पे छोटी छोटी शॉप है जहाँ से आप टी कॉफ़ी ले सकते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं क्यारदा की चल्ली में जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर है और यहाँ की रोड आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर रोड है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये जो जंगल है ये पूरे चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ है। सो मैं पहुंच गया हूं अभी क्यारदा की चल्ली में। ये जगह भी काफ़ी फेमस है और यहां पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट है जहां पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। सो जब कभी भी आप क्यारदा की चल्ली में आए तो यहां का खाना ज़रूर टेस्ट करें। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है ब्रदर्स रेस्टोरेंट, वहां पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। मैं जब कभी भी यहाँ पर आता हूँ तो वहाँ पर ज़रूर जाता हूँ और वहाँ का खाना टेस्ट करता हूँ। आप जब कभी भी आए सो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाइए और वहाँ का खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है जिस पे लिखा है ब्रदर्स फूड और ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है और यहाँ पे आप चेयर लगा के खाना खा सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइड में भी कुछ चेयर लगी है और यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू और यहाँ पे आप खुला बाहर बैठ करके खाना खा सकते हैं और व्यू का आनंद ले सकते हैं। मैं हूं अभी चिन्यालीसौड़ के ठीक ऊपर, आप देख सकते हैं नीचे चिन्यालीसौड़ दिखाई दे रहा है बट ये जितना क्लोज दिखाई दे रहा है उतना
क्लोज है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो रोड जा रही है वो सारे गांव को टच करके जा रही है। तो यहाँ से अभी भी हमको काफ़ी टाइम लगेगा चिन्यालीसौड़ जाने के लिए। और गाइस आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, जो रोड जा रही है वो बड़े बड़े पहाड़ों से होते हुए जा रही है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और हम पहुंच गए चिन्यालीसौड़ के काफ़ी नज़दीक। माफ़ करना, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड का काम चल रहा है काफ़ी ज़ोरों से। यहाँ से दो रोड है, एक जो नीचे मार्केट के लिए जा रही चिन्यालीसौड़ के लिए, और दूसरी रोड है जो उत्तरकाशी के लिए जा रही है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चिन्यालीसौड़ में। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, सो सबसे पहले हम जाएंगे नदी में, वहाँ पे थोड़ा सा नहाएंगे, एंजॉयमेंट करेंगे। उसके बाद से मैं दिखाता हूँ आपको प्रॉपर मार्केट चिन्यालीसौड़ का। सो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिए। काफ़ी धूप हो रही है यहाँ पे अभी, और हमने अराउंड 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बिताया है, और काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ पे बैठ के। ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। और अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के सबसे सुंदर ब्रिज में। दोस्तों इस ब्रिज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह ब्रिज उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ तहसील में है। यह ब्रिज उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टील आर्च ब्रिज है। इस स्टील आर्च ब्रिज की लंबाई 162 मीटर है, और यह ब्रिज 52 करोड़ की लागत से बना है। 17 सितंबर 2018 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। उत्तरकाशी जिले के दिचली और गमरी पट्टी के लगभग 50,000 लोगों को जोड़ने वाला टेहरी झील के ऊपर बना यह ब्रिज आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप इस ब्रिज की खूबसूरती देख सकते हैं। और ये है चिन्यालीसौड़ का मेन मार्केट, और हम जा रहे हैं अभी स्वीट शॉप में। यहाँ पे एक स्वीट शॉप है जो काफी फेमस है, सो चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं क्या क्या है वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं स्वीट शॉप के अंदर, और आप देख सकते हैं इनके पास काफी वैरायटीज की मिठाई है। यहाँ पे इनके पास लड्डू है, बालूशाही है, काफ़ी टाइप्स की बर्फी है, सोन पापड़ी और रसगुल्ले हैं।
और नीचे आप देख सकते हैं कोकोनट के लड्डू भी हैं इनके पास। सो टाइम हो गया है लंच का और अब हम जा रहे हैं लंच करने। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है और काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। सो हम वहीं पे जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर हैं और आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट का नाम है रेड चिली रेस्टोरेंट कबाब कॉर्नर। और हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कढ़ाई चिकन का। सो यहाँ पे कढ़ाई चिकन बन रहा है, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कैप्सिकम डाला है और कुछ मसाले डाले हैं। अब यहाँ पे ये ग्रेवी ऐड कर रहे हैं, ग्रेवी ऐड कर दी है इन्होंने और ये इन्होंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया है। आप कलर देख सकते हैं काफी सुंदर कलर है कढ़ाई चिकन का। और दूसरा जो हमने ऑर्डर दिया है वो है कढ़ाई पनीर। यहाँ पे इन्होंने सेम वही अनियन और कैप्सिकम डाला है और दूसरी ग्रेवी ऐड की है इन्होंने इस पे। और अब यहाँ पे ये पनीर ऐड कर रहे हैं। और ये कढ़ाई पनीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अब चलते हैं तंदूर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पेड़े बना रखे हैं ब्रेड के लिए। और ये हमने ऑर्डर दिया है तंदूरी रोटी का और यहाँ पे जो सेफ हैं वो तंदूरी रोटी बना रहे हैं। मैं अभी क्लोज करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये आप देख सकते हैं हमने दो रोटी का ऑर्डर दिया है और बाकी बाद में देंगे। और ये हमारा कढ़ाई चिकन रेडी हो गया है, साथ में कढ़ाई पनीर भी है, फुलका लिया है हमने। और अब हम इसको सर्व करते हैं प्लेट में। और ये इन्होंने यहाँ पे लेग पीस भी डाला है। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं टेस्ट करके कि खाने का टेस्ट कैसा है। सो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे टेस्ट के बारे में। सो गाइस टेस्ट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इनका एक बार बोर्ड बता देता हूँ फिर से, रेड चिली रेस्टोरेंट कबाब कॉर्नर। तो ये था हमारा आज का चिन्याली शॉर्ट ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।